हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज आपके लिए हिस्ट्री की एक वीडियो टू लेकर आए। इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो वन दे चुका हूँ जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे, और ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द रेलिवेंस। आपको रेलिवेंस बताना है आईनी अकबरी का, जो कि अबुल फजल की क्रिएशन है। उन्होंने इसको तैयार किया था और ये एक हिस्टोरिकल सोर्स के तौर पर, जैसे मैंने यहाँ लिखा है आईनी अकबरी, तो आईनी अकबरी का क्या रेलिवेंस है अगर उसे हिस्टोरिकल सोर्स के तौर पे लिया जाए। तो सबसे पहले हम देख लें, आंसर ऑलरेडी मेरे पास है, ये भी बताऊंगा कि आपको आंसर कहाँ से मिल सकता है। तो आईनी अकबरी इज द थर्ड वॉल्यूम ऑफ द अकबरनामा रिटन बाय अबुल फजल। जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये जो थर्ड है इसका वॉल्यूम अकबरनामा का, उसका एक पार्ट है थर्ड वॉल्यूम का, और इसको लिखने वाले हैं अबुल फजल। इट इज़ अबाउट द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रीन। तो क्योंकि अकबर का नाम आ रहा है, इसका मतलब अकबर के रीन के बारे में, उसके राज्य के बारे में कुछ बातें की गई। और किस बारे में है? पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री के बारे में, कि कैसे वहाँ का सिस्टम था, पॉलिटिकल लेवल पे कैसे काम होता था, एडमिनिस्ट्रेशन उनका कैसे मैनेज होता था। इट टॉक्स अबाउट द मोड ऑफ गवर्नेंस ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसी की हम बात कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने कैसे अपने दरबार को चलाया, दरबार में क्या कुछ होता था, ये सब कुछ आपको इसकी हेल्प से पता लग जाएगा। तो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स। और उसके सबसे बड़े रीज़न क्या है? इट्स एन इम्पीरियल गैजेटियर ऑफ अकबर्स रीन। जैसे गैजेट होते हैं, गैजेट क्या होता है? बहुत बड़ी बुक होती है जिसमें बहुत कुछ लिखा जाता है। तो उस सेंस में देखें तो एक गैजेटियर है अकबर के रीन का। एंड टॉक्स अबाउट कोर्ट लाइफ। कोर्ट लाइफ क्या है? जैसे राजा का दरबार है, अकबर का जो दरबार है उसके बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन या आर्मी के बारे में। इट गिव्स डिटेल्स ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की डिटेल भी यहाँ पर आपको मिलेगी। प्रॉब्लम्स जो प्रोविंसेस ने फेस की उसके बारे में भी पता चलेगा। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट कल्चर एंड ज्योग्राफी ऑफ द रीजन, कि किस तरह का कल्चर ये लोग फॉलो करते थे, ज्योग्राफी पूरा एरिया कैसा था। एंड इट प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट मुगल एम्पायर। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डाइवर्स पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ हिंदूज, जैनास, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। तो ये सारी की सारी डिटेल आपको इसकी हेल्प से मिल जाएगी, जो कि थर्ड वॉल्यूम है आईनी अकबरी, ठीक है, अकबरनामा का थर्ड वॉल्यूम है। अब आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज वर इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ अर्बेनिज्म इन इम्पीरियल कैपिटल सिटीज ऑफ मुगल एम्पायर। अब देखिए, मुगल एम्पायर में जो आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़ हुई हैं, अब आप सोचेंगे आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़ क्या होती है। एक्चुअल में क्या होता है कि इसका मतलब है जो उन्होंने महल बनवाए, किले बनवाए, जो भवन निर्माण कला का एक बहुत बड़ा सबूत दिया उन्होंने, ये कहते हैं उनकी कैपिटल सिटीज़ की पहचान है। हमें कहाँ कहाँ ऐसा क्या कुछ देखने में मिला है, तो यहाँ एग्जाम्पल भी देखेंगे हम। इट इज़ ट्रू दैट जो आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़ हैं, दे वर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ अर्बेनिज्म इन इम्पीरियल कैपिटल सिटीज़ ऑफ मुगल एम्पायर। And this is evident from the following developments in the field of architecture under Mughal ruler. जैसे अकबर commissioned the construction of marble tomb of Sheikh Salim Chishti next to the majestic. अब देखो, जो majestic होती है बहुत बड़ी Friday mosque है, उसके बिल्कुल next जो है Sheikh Salim Chishti की जो दरगाह बना दी जाती है, tomb बना दी जाती है। और इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में आपको कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे, जो कि इसका, जैसे आपने देखा होगा बुलंद दरवाजा भी है, ये भी यहाँ पर काउंट किया जाएगा। ही ऑल्सो बिल्ड द इनॉमस बुलंद दरवाजा, द आर्क गेटवे टू रिमाइंड द विजिटर्स ऑफ मुगल विक्ट्री ऑफ गुजरात, कि गुजरात में कैसे इस रास्ते के थ्रू विक्ट्री हासिल की गई मुगल बादशाह ने, वो बताता है ये दरवाजा जो है। और शाहजहां शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम आगरा टू शाहजहांबाद, इट वाज ए न्यू रेजिडेंशियल सिटी ऑफ दिल्ली विद रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद विद बाजार्स लाइक चांदनी चौक एंड स्पेशियस होम्स फॉर द नोबिलिटी। तो देखो, ऐसा नहीं कि बाजार पहले नहीं होते थे, पहले भी होते थे, और दिल्ली का जो पुराना चांदनी चौक का बाजार है वो उसी से फेमस है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कि शाहजहां ने अपनी जो कैपिटल है वो शिफ्ट कर दी थी फ्रॉम आगरा टू शाहजहांबाद, और बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर वहाँ तैयार किया गया था जो कि दिल्ली में आपको नज़र आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। द एडवांटेजेस ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। जब परमानेंट सेटलमेंट जिसकी हम बात करते हैं, उसकी क्या क्या एडवांटेजेस थी? तो इसका सबसे बड़ा तो देखिए कि ब्रिटिश को अब एक फिक्स रेवेन्यू मिलता था, सबसे बड़ी बात क्या है। चलो ठीक है, ये भी हमने पढ़ा पीछे वाले क्वेश्चन में, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर बाई चांस वहाँ पर वो रेवेन्यू पे नहीं होता था तो वो सेल का ऑक्शन कर दी जाती थी प्रॉपर्टी जो है। तो यानी इट
आइडेंटिफाइड, यानी क्या इसके एडवांटेज हैं, इस आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल्स हु वुड इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड कॉन्ट्रैक्ट टू पे अ फिक्स रेवेन्यू टू द स्टेट। देखते थे भाई इसके बस में है, इसको दे दो, ये कम से कम फिक्स रेवेन्यू हमें पे करेगा। चलो दूसरी बात, एंटरप्रेन्योर्स कुड फील श्योर ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट सिंस द स्टेट वुड नॉट सिफोन इट ऑफ बाय इंक्रीजिंग इट्स क्लेम। अब जैसे कई बार क्या होता है कि उन्होंने अमाउंट फिक्स कर दिया, अभी आपको यहाँ तक पे करना है और ये आपको अमाउंट देना ही पड़ेगा, उसको किसी भी कंडीशन में कट नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी तो किसी भी एंगल से देखा जाए तो लॉस में नहीं है, तो उसको तो फायदा ही हो रहा है। एंड द प्रोसेस वुड लीड टू द इमर्जेंस ऑफ यंग फार्मर्स एंड रिच लैंडलॉर्ड्स हु वुड हैव द कैपिटल एंड द एंटरप्राइज टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब देखो ये भी बात आ गई कि जब उनको पता है भी हाँ हमें इतना अमाउंट पे करना है तो हमारे एग्रीकल्चर का लेवल तो बेटर करना ही होगा, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छी होगी, तभी तो हम सरकार को उसका दे पाएंगे जो हमने तय किया है। और इसके अलावा जो नर्चर्ड बाय ब्रिटिश, इट वुड बी लॉयल टू द ब्रिटिश, जैसे लोग जो हैं ब्रिटिश के लिए लॉयल भी थे। एंड इट अवॉइडेड इविल्स ऑफ टेम्प्रेरी सेटलमेंट, द हरासमेंट ऑफ कल्टिवेटर्स एट्सेट्रा, इससे भी हम लोग बच गए। हरासमेंट पहले बहुत होती थी, टेम्प्रेरी सेटलमेंट में बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन इससे हम बच गए। इट प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जैसे स्टेबल होगी। जैसे आपने देखा होगा पहले क्या होता था, ब्रिटिशर अपने देश से सोना चांदी लेकर आते थे और यहाँ का कच्चा माल खरीदते थे, बाद में उन्होंने अपनी सेटलमेंट यहाँ कर ली, तो इसका मतलब यहीं का पैसा यहीं के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ का जो इसी पैसे को, कमाए हुए पैसे को यूज़ करके लोग कच्चा माल जो है अपने देशों में भेजते थे लाइक। बट एनी वे वी आर टॉकिंग अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट। और क्वेश्चन फोर है, राइट ए नोट ऑन द चपाती मूवमेंट इन द 1857 रिवोल्ट। अब देखिए चपाती मूवमेंट क्या है, एक्चुअल में चपातीज होती थी, एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाने, ये एक इनडायरेक्ट मैसेज था। इसको लेकर हिस्टोरियंस भी जो है कन्फ्यूज हैं, एक्चुअली उनको आज तक भी कुछ एग्जैक्ट क्लू नहीं मिल पाया कि ये मूवमेंट यानी ये जो आंदोलन चला तो इसके पीछे क्या पर्सपेक्टिव था। लेकिन ये तो 100% श्योर है कि ये एक आंदोलन था जिसके थ्रू एक मैसेज पास होता था फ्रॉम वन विलेज टू अनदर। जैसे इसमें बोला गया कि द चपाती मूवमेंट इन्वॉल्व्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चपातीज, ए टाइप ऑफ अनलेवेंड फ्लैट ब्रेड, अक्रॉस सेवरल इंडियन विलेजेस, कैरिंग मैसेजेस ऑफ नेटिव रूलर्स सीकिंग देयर सर्विसेज अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स। कुछ स्कॉलर्स का मानना है अभी तो जो रूलर्स थे उनका मैसेज पास होता था, बट अभी भी कन्फर्म नहीं है कि मैसेज क्या होता था। दो द मीनिंग एंड द पर्पज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चपाती इज नॉट क्लियर टू मैनी इवन टूडे। सम पीपल रीड इट एज एन ओमन फॉर द अपहीवल, कहते हैं कि कुछ तो ये मानते हैं कि ये शायद बुरे किसी चीज़ के बुरा होने का संकेत भी हो सकता था। एंड द मूवमेंट केम इन टू नोन इन 1857 रिवोल्ट, ये 1857 की क्रांति के दौरान इस आंदोलन को जो है हवा मिली काफ़ी। एंड दीज चपातीज वर बींग डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम विलेज टू विलेज, ए पर्सन वुड कम एट नाइट एंड गिव अ चपाती टू द वॉचमैन ऑफ द विलेज, वो उस विलेज के वॉचमैन को चपाती देता था, रात के वक्त ही आता था वो आदमी। एंड आस्क हिम टू मेक 5 मोर चपातीज एंड डिस्ट्रीब्यूट इट इन द नेक्स्ट विलेज एंड सो ऑन। अभी मत मान के चलिए कि वही कुछ चपाती जो हैं वो सर्कुलेट होती रहीं, वो तो ख़राब हो जाएंगी। एक्चुअली क्या होता था कि अगर सपोज ने 2 चपाती दी हैं, 4 दी हैं, उसको बोलते हैं भाई 5 और बनाओ और नेक्स्ट विलेज के जो वॉचमैन है उसको पास करो, ऐसे वो नेक्स्ट को और पास करता चला जाएगा। तो एक कनेक्टिविटी शो करने के लिए था कि ठीक है हम लोग आपके साथ हैं, हम इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्मेशन में क्या प्रॉब्लम थी, तो सिंपल सी बात है, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी तो ये वो तब की बात है जब इंडिया आज़ाद होने वाला था। अब आज़ाद हुआ तो जो एरिया पाकिस्तान की उधर चले गए तो वहाँ पर मेंबर को कट करना पड़ा, कुछ एरिया इंडिया में रह गए, कुछ एरियाज जो हैं वो लोग जो हैं चलो यहाँ पर हो गए। बट एनीवे यहाँ देखते हैं पहला क्या है, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर नॉट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि उनको जो है जो चूज़ किया गया था, चुना गया था, वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के तहत तो नहीं किया गया था। और इट वॉज दस डोमिनेटेड बाई वन पार्टी, और वो थी कांग्रेस जो मुस्लिम लीग है। दो कैप्चर द रिजर्व सीट बट चोज टू बाइकॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिंग द डिमांड फॉर पाकिस्तान विद ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। वो कहते भी देखो हम तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं बनना चाहते, हमें क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए जहाँ पर सब कुछ सेपरेट वे से चलेगा, हमें एक्चुअल में हिंदुस्तान में रहना ही नहीं है। इसके अलावा जो सोशलिस्ट हैं दे वर ऑल्सो अनविलिंग टू ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज दे बिलीव्ड इट वॉज द क्रिएशन ऑफ द
ब्रिटिश देयर फोर इनकैपेबल ऑफ बींग ट्रूली ऑटोनोमस। कहते देखो ये ब्रिटिश ने बनाई है, ऑटोनोमस तो नहीं हो सकती। अगर हम अपने आप कुछ बनाएंगे तभी तो हम उसे ऑटोनोमस कह सकते हैं। जो ब्रिटिश के कंट्रोल में होगा उसे ऑटोनोमस आप कैसे कहेंगे। और जो मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी है इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो हैड डाइवर्जेंट व्यूज। सम वर इंस्पायर्ड बाई सोशलिज्म, कुछ लैंडलॉर्डिज्म, और कुछ जो ऐसे भी थे जो कम्युनल पार्टीज थी, और कुछ ऐसे थे जो असर्टिवली सेक्युलर थे। तो इसका मतलब क्या है कि हर जगह हर तरह के लोग और उन सबको एक ही जगह पे पिरो के रखना बहुत मुश्किल और टेढ़ी खीर वाला काम था। एनीवे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी के साथ एक और वीडियो भी आपको बहुत जल्दी देता हूँ, क्योंकि 10 डेट को आपका पेपर है। तो आई थिंक सो आपको टाइम कम है, बट यू कैन कैरी ऑन योर प्रिपरेशन वेरी वेल। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आप कहेंगे तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी आंसर्स का लिंक्स भी शेयर कर दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।